प्रकार है। ये इस कविता के माध्यम से दुनिया के सभी युद्ध जो हुए, जो हो सकते हैं और जो युद्ध चाहने वाले, उन सभी गड़गड़े में खड़े रहने की कोशिश शुरू करता हूं। युद्ध दो देशों के बीच नहीं, प्रेम और नफरत के बीच लड़ा। क्या बात है। युद्ध करने वाला सैनिक सैनिक होता है, चाहे यहूदी हो या फलस्तीनी, भारतीय, पाकिस्तानी या चीन। वैसे ही प्रेम करने वाले भी एक होते हैं सारे संसार में। ये सारी लड़ाई इन दो पक्षों के बीच की है, युद्ध चाहने वालों और प्रेम चाहने वालों के बीच की। केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, किसी सैनिक के अंदर भी होता होगा ये युद्ध। हर ढहती इमारत के मलबे तले दबे इंसानों के साथ ही दम तोड़ देती होगी प्रेम कर सकने की उम्मीद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसी लड़के के ऊपर गिरी छत कुचल देती होगी बरसों सही जगह गुलाब के अवशेष। बिखरी लाशों की गिनती नागरिकता के बजाय युद्ध चाहने और ना चाहने वालों में की जाती तो न्याय। युद्ध कहीं अधिक स्पष्ट होते और शासक वर्ग की सदियों पुरानी धांधली का अंत हो सकता। आप चाहे इसराइल के साथ हो या फलस्तीन के गड्ढे में खड़े किए जाएंगे, इतिहास की अदालत में दोषी करार दिए जाएंगे मानवता और प्रेम की हत्या के लिए। हर पीढ़ी सुनाएगी सजा, सजा युद्धों को इतना सहज बनाने के लिए। क्या बात है। युद्ध लड़ना जितना सहज होता गया, गुलाब दे पाना उतना ही कठिन। लड़े गए सभी युद्ध दुनिया ने सदैव याद रखे, नहीं याद रखा कभी किसी का प्रेम करना।